शुक्रवार को बैंक रोड स्थित एक होटल में अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर पुष्कर आनंद ने जय चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधक संवेदीकरण मंडल स्तरीय कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर कार्यशाला में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सहित 61 ब्लॉकों से आए चिकित्सक, क्वालिटी इंश्योरेंस कंसल्टेंट और विशेषज्ञ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अस्पतालों से निकलने वाले अपशिष्ट के प्रबंधन के संबंध में अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर पुष्कर आनंद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी, प्रमुख अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय डॉक्टर दिनेश सोनकर, डॉक्टर सुरहिता करीम, मंडलीय कार्यक्रम प्रबंधक अरविंद पांडे, डॉक्टर जसवंत कुमार सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सक मौजूद रहे। तो हम इसको क्यों करते हैं, नीड्स क्या है, एनवायरमेंटल रिस्क और इससे दिया गया है कि इंजरी फॉर्म्स आर लीडिंग टू इन्फेक्शन का लेकर हम कहते हैं उसका वैक्सीनेशन भी होना चाहिए टाइम। तो एनवायरमेंटल रिस्क का जो मैनेजमेंट है वो जरूरी है और रेट होता है 80% जो जनरल रिस्क है और 15% जो है इन्फेक्शनस होता है और उसके ओनली 5% है जो नॉन इन्फेक्शनस रिस्क होता है, उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हम डिमांड करते हैं फोर्थ क्लास जो भी हॉस्पिटल स्टाफ उनको कि सर वो लोग रेस्ट नहीं करते, तो ये इंश्योर करना है सेग्रीगेशन है वो सेम। एक शेड्यूल फर्स्ट जो है बायोमेडिकल वेस्ट का उस पर 4 कैटेगरी है वेस्ट की, तो येलो कैटेगरी का वेस्ट है उसमें बेसिकली ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट है। तो हमें सीधा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि येलो कैटेगरी में वही वेस्ट जाना है जिसको हम जलाया जा सके, उस पर ट्रीटमेंट पॉसिबली दिया गया है। येलो कैटेगरी का वेस्ट जो है वो इंसिनरेट किया जाता है, इंसिनरेशन का मतलब है कि उसको जलाया जाना है और डिफरेंट टेम्परेचर पे ट्रायल जो उनके यहाँ चैम्बर्स होते हैं और 800 और एरो 1000 पे शायद वो इंसिनरेट करते हैं और जो एक्सपायर मेडिसन हैं जो डिस्कार मेडिसन हैं उनको भी येलो कैटेगरी में जाना है। रेड कैटेगरी में बात करते हैं जो भी प्लास्टिक वेस्ट है, कई बार जैसे होता है कि आप लोग अगर एक साथ में कर देते हैं जो प्लास्टिक वेस्ट है और येलो कैटेगरी का वेस्ट है, तो प्लास्टिक वेस्ट से जो प्लास्टिक वगैरह गैसेस निकलती हैं जो कि एटमोसफियर को नुकसान पहुँचाती हैं, तो ये थोड़ा इंश्योर कराना है कि प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको प्रॉपर रेड कलर के बिन में ही कलेक्ट किया जाए और वाइट जो है उसको मेटेलिक शार्प जो भी मेटल्स सिलेंडर्स हैं उनको वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर में ही जाना है और ब्लू जो बिन आपको प्रोवाइड कराया जाता है वो है बेसिकली ग्लास वेयर्स के लिए, तो उसका कहीं भी बायो हजार्ड्स मेंशन नहीं होना चाहिए और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं जो कि वेस्ट हैंडलर है आपका जो आपका वार्ड टू वार्ड कलेक्शन करते हैं कलेक्शन सेट तक ले जा रहा है उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का पोजिशन है कलेक्शन सेंटर को आपको वेस्ट ले जाना है वो पर जो बिल वगैरह यहाँ पे दिया गया हमने ऑलरेडी यूपीएल सिस्टम ने अभी जो लखनऊ का पायलट प्रोजेक्ट किया है उस पर दिया हुआ है कहना है वो ओवर लोड नहीं करना है और जो आपका वेस्ट सेंटर है प्रॉपर इस पर दिखाया गया है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना हुआ होना चाहिए और दूसरा ये कि कैस्केड मॉडल में हम लोग ने ट्रेनिंग कराई थी इसके लखनऊ बुला के सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी
उस कैस्केड मॉडल में ये था प्रोविजन जो प्रमुख से जो जो हमारे स्वास्थ्य प्रमुख सचिव उन्होंने कैस्केड मॉडल का इसीलिए प्रोविजन रखा था कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की नोडल ऑफिसर ट्रेंड या बैठक होगी जाएगी तो अपने और जो सी एस सी में जाके या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई ट्रेनिंग हो रही है, सपोज के लिए अगर गोरखपुर में कोई ट्रेनिंग हो रही है तो जो टी ओ टी यूटीएस सिस्टम या जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टी ओ टी ट्रेंड थे उन्होंने सर ट्रेनिंग नहीं कराई और उनको भी सर मैनुअल ऑफ दिल चार्ज इसीलिए दिया गया था कि आप अगर गोरखपुर में जैसे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के टी ओ टी है वो अपने हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बुला के सबको ट्रेनिंग करेंगे। अगर है तो इसे येलो से जो पीला है उसमें पता चले प्लेसेंटा पीला प्लेसेंटा लाल लचीला लचीला के अंदर जो रबर के प्रोडक्ट हैं या रेड से रिसाइकलेबल जो सब्सटेंसेस जो हॉस्पिटल वेस्ट हैं उसके अंदर डालें तो पास आउटों का आसानी होती प्लेसेंटा जो कि मेनली बल्क जो होता है जो एनाटॉमिकल पार्ट से आता है ह्यूमन बॉडी में आता है। दूसरी चीज उनको ये चीज़ बहुत एम्फेसाइज करने की जरूरत है कि अगर 10 या 5% जो इन्फेक्शन बेस्ड है उसको अगर पॉइंट ऑफ जनरेशन पे सर्टिफिकेट नहीं किया जाएगा तो 100% जो वेस्ट है हॉस्पिटल का जिसमें 85% जनरल वेस्ट है वो सारा का सारा इन्फेक्शन हो जाएगा। हमें स्टाफ को स्किल्ड करना है, रेगुलर मॉनिटरिंग करना है, कचरा जो भी निकल रहा है हमारे फैसिलिटी पर, हमने मंडल के कई कई सभी फैसिलिटी विजिट किया है, सारे फैसिलिटी पर नियति हर बैकेट उपलब्ध है, हर बैकेट की एवेलेबिलिटी है, बस हमें क्या है स्टाफ को स्किल्ड करना है जिससे वो जो कचरा निकल रहा है प्रॉपर वीक में जाए ताकि वो प्रॉपर उसका सेग्रीगेशन हो सके, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट हो सके। ठीक।